आईपीएल 2022 में बुधवार को हुए मुकाबले में आरसीबी ने चेन्नई को 13 रनों से मात दी है। धोनी के कप्तानी संभालने के बाद सीएसके की यह पहली हार है, जबकि आरसीबी को लगातार 3 हार के बाद जीत मिली है। ऐसे में अब आरसीबी के प्लेऑफ में जाने की उम्मीद बरकरार है। इस मैच में आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए 173 रन बनाए थे, लेकिन चेन्नई सुपर किंग 20 ओवर में 160 रन ही बना पाई। सीएसके को आखिरी ओवर में जीत के लिए 31 रन चाहिए थे, जो नामुमकिन ही थे। आखिरी ओवर में सीएसके की टीम 17 रन ही बना पाई, इसमें 2 छक्के और 1 चौका लेग बाय का शामिल रहा। ऐसे में सीएसके की 13 रनों से हार हुई। कप्तान धोनी इस मैच में सिर्फ 2 रन ही बना पाए और उनका विकेट गिरते ही सीएसके की उम्मीदें भी टूट गई। वहीं आरसीबी की तरफ से विराट कोहली 33 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 30 रन बनाए। कप्तान डुप्लेसी ने 22 गेंदों में 38 रन की पारी खेली। सबसे ज्यादा महिपाल ने 27 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 42 रन बनाए। रजत पाटीदार 15 गेंदों में 21 रन और दिनेश कार्तिक 17 गेंदों में 26 रनों की पारी खेली।